एग्रीमेंट 28 क्या कहता है, ओ सॉरी सेक्शन 28 पे आ जाते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। सेक्शन 28 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्टेरिंग टू लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक विधिक कार्यवाहियों के बीच में आए, मतलब विधिक कार्यवाहियों में अवरोधक पैदा करे लीगल प्रोसीडिंग्स में, ये वॉइड होता है। यहाँ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब ये नहीं कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईपीसी की कोई लीगल प्रोसीडिंग से हो तो भी हो, यहाँ टॉर्ट से हो तब भी हो, ना केवल कॉन्ट्रैक्ट से ही जुड़ी होंगी लीगल प्रोसीडिंग। जैसे लीगल प्रोसीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कोई दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, और किसी का एक राइट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जाने का, ठीक, और उसको कोई बंदा रोक देता है, रोकता है, तो ये वॉइड है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स में बाधा बन रहा है एग्रीमेंट की। और जैसे दूसरा ये कहता है एन एग्रीमेंट विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच वन मे इन्फोर्स देयर कॉन्ट्रैक्ट राइट, मतलब ऐसा कहा गया है कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट होते हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के राइट वॉयलेट हुए तो वो जाएगा कोर्ट में, तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिससे वो कोर्ट में नहीं जाए तो ये अवॉइड हो गए। मतलब सीधा सा है इस सेक्शन का कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की राइट्स होती हैं, अगर उनको इन्फोर्स कराने में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, कराने के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि उनको उसको इन्फोर्स कराने में बाधा साबित होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक, एक उसकी अगर उससे जुड़ी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है तो उसको होनी ही पड़ेंगी, अगर उस लीगल प्रोसीडिंग को जो रोकने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड होता है। और वो भी वॉइड होता है कि मान लीजिए कि टाइम पीरियड 3 साल होता है, अब कुछ ऐसा हमने एग्रीमेंट कर लिया कि टाइम पीरियड 3 नहीं 2 ही साल होगा, तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स में बाधा बन गई, तो ये भी मतलब कि वॉइड होंगी। मतलब कॉन्ट्रेक्टुअल राइट के लिए ये सारी बनी हुई है सेक्शन 28। अब आ जाते हैं सेक्शन 29 के। सेक्शन 29 कहता है एग्रीमेंट्स वॉइड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, मतलब जो सर्टन नहीं है, अनिश्चित है, अगर उसका कुछ एग्रीमेंट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। जैसे एग्रीमेंट है निश्चित नहीं, जैसे कहता एक कहता है कि मैं तुमको 1,000 टन तेल दूंगा और बदले में तुम मेरी दीवार पेंट कर देना पूरा कमरा, तो 1,000 टन तेल देगा ये बात थोड़ी ऑकवर्ड लगी। ऑकवर्ड क्या है, थोड़ी अजीब इसलिए लगी क्योंकि 1,000 टन तेल देने की बात तो किया है लेकिन कौन सा तेल देगा ये नहीं बताया, तो ये अनसर्टेन है, तो इस टाइप के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। जैसे कहा है कि अगर आप मेरा काम, ए ने बी से कहा कि अगर आप मुझे अपनी गाड़ी बेच देंगे तो मैं आपको 1 साल तक दाने सप्लाई करता रहूँगा, अब कौन से दाने ये उसने बताए नहीं, ये एग्रीमेंट हो गया वॉइड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, सीधा सीधा फंडा समझो, ए बी से कहता है कि यार अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, ठीक,
अब पेन ब्लैक पेन देगा कि ब्लू पेन देगा कि डॉट पेन देगा कि स्केच पेन देगा कि मार्कर देगा, ये ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, ये अनसर्टेन है, तो ये वॉइड है, तो यही एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड है। देखो जैसे मान लो कोई सट्टाबाज आदमी है, तो ए बी से ये शर्त लगाता है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये सेक्शन 30 है। एक आदमी ए जो है वो बी से ये शर्त लगाता है कि अगर अगर भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत जीत जाती है तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, और अगर भारत हार जाता है तो तुम मुझे 1,000 रुपये देना। दो की भी शर्त लग गई, या ये लग गई कि 1,000 रुपये मैं तुमको दूंगा अगर भारत हार जाता जीत जाता है तो मान लो भारत जीत गया और ए ने भी 1,000 रुपये देने से मना कर दिया, तो ऐसे में कहेंगे कि नहीं भाई हम कोर्ट जाएंगे, हम अपने अधिकारों की बात करने लगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सट्टाबाज जो आदमी रहते हैं वो अपना वाद कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। हाँ, इसका एक अपवाद ज़रूर है, जैसे कि जो इनाम लोग जीतते हैं, जैसे कि लॉटरी में जीत लिए, घुड़सवारी में जीत लिए, हॉर्स राइडिंग होते नहीं लंबे लंबे घोड़े रेस करते हैं, फिर जीतने वाले पैसे जो दाव लगाता है उसको प्राइज मिलता है, तो इस पे ये लागू नहीं होता, और ना ही सेक्शन 290 आईपीसी के सेक्शन 294 ए पर ये लागू होता है। ठीक, लेकिन एक सट्टेबाज आदमी एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर, वेजर मार शर्त लगाने वाला, आर बॉयड एंड नो सूट शैल बी बॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग, कोई सूट आप बॉट नहीं कर सकते रिकवर करने के लिए कुछ भी जो कि एनी वेजर द्वारा जीता गया है। ये आप और उसके बीच की बात है, आप लोग समझो। तो ये थे सेक्शन 30, जो कि आखिरी सेक्शन था ये सेकंड पार्ट का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन था।